सांस में भी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। चलें बेटा, पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। कोशिश करते हैं इसको करीब करने। चलें, अच्छा पुराने लेक्चर में बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? मैम लास्ट लेक्चर में एक जगह पे पीएलएल मेंशन था, उसकी समझ नहीं आई पीएलएल से क्या एब्रीविएटेड एब्रीवेशन है इसकी। कौन सी एब्रीवेशन? पीएलएल पीएलएल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। थैंक यू मैम। अच्छा जी, चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर आज का। मैम ये लेक्चर भी हमारी क्विज में होगा। इसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। तो बेटा सिलेबस तो ये 7 लेक्चर्स का है, आज जो हम पढ़ेंगे वहां तक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? कंजेक्टिव अब क्विजेस वगैरह तो ऑब्वियसली स्टार्ट होने हैं, बट आपको ये मैंने ईद से पहले इसलिए बता दिया था कि आप अपना ना माइंड प्रिपेयर कर लें। ये लेक्चर बिल्कुल इंक्लूड होगा आज का जो हम पढ़ने लगे हैं। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा लंबा नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी हैं जो कि जनरल आप लोग गाइडलाइंस पढ़ चुके हो, ठीक है। कुछ थोड़ी सी दो चार चीजें ऐसी हैं जो कि न्यू होंगी आपके लिए, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको देना है। बाकी मोस्टली जो चीजें हैं इसमें वो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। वो इस तरह की चीजें हैं कि वो सिर्फ आपको गो थ्रू करनी है, वो एक तरह से रिविजन हो जाएगी आपकी। तो लेक्चर शुरू करते हैं। जो बेसिक आज हमने टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड फेसेट जॉइंट्स। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आज इसका जो है वो हम फेसेट जॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि उसकी क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं। पैथोलॉजी ऑफ मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज, अगेन आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है, इसको सिर्फ हम स्पाइन से रिलेटेड उसको रिलेट करेंगे। पैथोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइनल इंस्टेबिलिटी, ये शायद इसमें एक आधी चीज आपके लिए नई हो। एंड देन मैनेजमेंट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। ये भी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आप लोगों ने थेरा 1 में आई थिंक ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हम जो बात करने लगे हैं वो फेसेट जॉइंट से रिलेटेड होगा। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो हमने लास्ट टाइम कवर की थी। अब कॉमन डायग्नोसिस और इम्पेयरमेंट्स फ्रॉम फेसेट जॉइंट पैथोलॉजीज, अगर हम बात करें कि फेसेट जॉइंट से रिलेटेड जो पैथोलॉजीज हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, तो सबसे पहले उसमें हमारे पास जो है वो चीज आ जाती है, दैट इज फेसेट स्प्रेन्स, ठीक है। या जिसको हम कहेंगे कि जॉइंट कैप्सूल इंजरी, के जो आपके फेसेट जॉइंट्स के कैप्सूल्स हैं, जॉइंट कैप्सूल, अब उसके ऊपर अगर किसी किस्म की इंजरी आती है वो किस किस्म की हो सकती है और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। तो बेसिक ये जो इंजरी है ये आपके किसी डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, लाइक फॉलिंग की वजह से है, आपके ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हैं उसकी वजह से है, वो जो झटका वगैरह लग सकता है आपको, अक्सर आपने ये लेमैन टर्म में सुना होगा कि जी फलां जगह से गिरे हैं और कमर को जो है ना वो झटका लग गया, तो वो जो झटका है वो काइंड ऑफ आप उसको ये बात कह सकते हैं कि अगर आपके जो ज्वाइंट कैप्सूल है उस पर अनड्यू स्ट्रेच आ रहा है या किसी जगह से कंप्रेशन आ रहा है, तो इट कैन कॉज फेसेट कैप्सूल स्प्रेन या कैप्सूल इंजरी या फेसेट स्प्रेन जिसको हम बोलते हैं। इफ्यूजन है, इसके साथ स्वेलिंग आ जाती है आपकी, ऑब्वियसली जो है वो स्वेलिंग और पेन की वजह से आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिट करेगी, और उससे रिलेटेड जो आपके मसल्स हैं वो आपको एक तरह के प्रोटेक्टिव
जो पोस्चर है उसके अंदर रखेंगे ताकि आपकी जो हीलिंग है वो प्रॉपर हो जाए, उससे पहले आपकी वो बॉडी जो है वो आपको नेचुरली गार्डिंग से पोस्चर में और मूवमेंट्स के अंदर रखती है। ठीक है, स्वेलिंग जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि स्वेलिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपके फोरामिनास को स्पेस को रिड्यूस करती है, जिसको हम उसको हमने लेटरल स्टीनोसिस भी बोला था या फोरामिनल स्टीनोसिस, तो वो भी आपके जो है ना वो कॉज कर सकती है। और स्टीनोसिस का हमने लास्ट टाइम ये लिंक पढ़ा था कि अगर स्टीनोसिस अकर करती है आपकी स्पाइन के अंदर किसी भी जगह पे, या वो सेंट्रल हो चाहे वो लेटरल हो, उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं। ठीक है, आइदर ट्रू साइंस और फॉल्स साइंस दोनों अगर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है आपकी नर्व रूट्स के ऊपर, क्योंकि फोरामिना से तो नर्व रूट्स निकल रही है ना, तो जब डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा तो आपके जो ट्रू साइंस है न्यूरोलॉजिकल साइंस वो आपके ज्यादा शो होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब दूसरी चीज हमारे पास फेसिस जॉइंट्स में क्या आ जाती है, डीजनरेटिव चेंजेस, जिसमें आपकी ज्वाइंट की जो शक्ल है वो चेंज होना शुरू हो जाए विद एज या विद इंजरी और ट्रॉमा वगैरह। ज्यादा इसमें जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आपको पता है कि एज रिलेटेड जो है वो चीजें हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व डीजनरेशन ऑफ आईवीडी। अब इसमें ये आईवीडी भी आ जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी डीजनरेशन है और आपके फेसिस जॉइंट्स को भी ये इन्वॉल्व करती है। अब इसमें क्या है कि आपकी हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है फॉल्टी पोस्चर की, शायद आपकी हिस्ट्री, क्योंकि जब आप प्रोलॉन्ग फॉल्टी पोस्चर में रहते हैं उससे आपके ओवरऑल जो आपकी मैकेनिक्स है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है, मसल्स के ऊपर फर्क पड़ता है आपकी, अल्टीमेट उसका जो रिजल्ट निकलता है वो आपकी बोन्स की चेंजेस के साथ आपके सामने आता है। ठीक है, तो या प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन आफ्टर इंजरी, वो भी आपकी जॉइंट जो है सर्फेसिस उसको चेंज करती है या उसको खराब करती हैं। ठीक है, और सीवियर और रेपिटेटिव ट्रॉमा, ये सारी चीजें आपकी डीजनरेटिव जॉइंट डिजीजेस की वजह बन सकती हैं। अब जो जॉइंट डिजीजेस हैं उसकी अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली ये चीज है कि डीजनरेशन के साथ जो है ना आपकी, क्योंकि मैकेनिक्स चेंज हो रही है, मैकेनिक्स चेंज होती है तो डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मूवमेंट की जो लिमिटेशन है वो चेंज हो जाएगी, हाइपर मोबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है या आप उसको इनस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। जब आपकी जॉइंट की शेप चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वो उसका एक जॉइंट की अपनी शेप भी जो है वो एक इनर्ट स्ट्रक्चर में आती है, जो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इनर्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसमें जॉइंट इटसेल्फ प्रेजेंट है। अब अगर उसकी एक नेचुरल जो शक्ल है वो चेंज होके कुछ और में चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वो जो उसका काम था स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, जितना लिमिट में उसने स्टेबिलिटी देनी थी वो तो अब वो नहीं दे रहा, तो वो इनस्टेबिलिटी की फॉर्म में जो है वो आपके सामने आती है उसका रिजल्ट। स्ट्रेसेस जो है वो ऑब्वियसली जब आपकी मैकेनिक्स ऑल्टर होगी, फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज होगी तो स्ट्रेसेस जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाले और उनके रिजल्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसका एज अ रिजल्ट आपके पास क्या चीज आएगी, ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी विद स्पर्स। वो आपने शायद कभी देखा हो, अगर आपको एक्सरे ऐसा कभी देखने को मिला हो तो जॉइंट्स के अंदर बकायदा आपको जो है ना वो छोटे 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 बड़े उभार से नजर आ रहे होते हैं, और वो समटाइम्स काफी पॉइंटी किस्म के भी होते हैं। वो बेसिकली क्या है, वो आपके ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, वो आपकी डीजनरेशन की वजह से आपके ऑस्टियोफाइट्स बने, शेप शक्ल उसकी जॉइंट की क्या है, सर्फेसिस चेंज हो गई भी होती। अब जब ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं तो वो आपकी जो मूवमेंट है उसको करते हैं रिस्ट्रिक्ट। अब ये चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि डीजनरेशन ने पहले क्या किया, आपको इंस्टेबिलिटी दी, हाइपर मोबिलिटी में आपको ले गए फेस के अंदर। ठीक है, हाइपोमोबिलिटी की वजह से आपकी बोनी सर्फेसिस होना शुरू हो गई चेंज, और उन्होंने क्या वहां पे होना शुरू हो गई, फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट। अब जब ऑस्टियोफाइट बन गए तो वो अब आपकी मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, अब आपको हिंड्रेंस दे रहे हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, और अब आपकी मूवमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, और आप किधर जा रहे हैं, हाइपोमोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या स्टीनोसिस की तरफ जा रहे हैं। अब स्टीनोसिस है तो स्टीनोसिस के साथ आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस में आएंगे। बात देखो कहाँ से शुरू हुई कि सिर्फ आपकी जो है वो डीजनरेटिव चेंजेस जो है ना वो आनी शुरू हुई थी,
और वो अल्टीमेटली आपको कहाँ ले गए, आपके न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी उसके अंदर आ गई, आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आपकी ROM और डेली एक्टिविटीज भी उससे क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। अब एक बेटा बात याद रखना, ये एक जनरल रूल है जो कि हमारी बॉडी के हर जगह पे अप्लाई होता है, कि हमारी बॉडी के अगर किसी एक सेगमेंट के ऊपर मोशन रिड्यूस हुई भी हो, हाइपोमोबिलिटी हुई भी हो, तो उसके जो आसपास के स्ट्रक्चर जॉइंट्स हैं, नेबरिंग जॉइंट्स हैं या सेगमेंट्स हैं, वो हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। आम से एग्जांपल लेने लगी हूँ, आपकी लेट से एल्बो के अंदर जो है ना वो चोट लगी हुई है, आप गिर गए हो, कोई चोट लग गई और एल्बो आपको पेन कर रही है मूवमेंट करने में, और आपको, चलो आपको डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि आप इसको एक आधा दिन जो है ना या कुछ टाइम के लिए इसको आपने ज्यादा मूव नहीं करना, इसको या करें बांध लें, या जैसे अक्सर होता है आपने देखा होगा स्लिंग्स के अंदर जो है वो लोगों ने अपना बाजू लपेटा हुआ होता है। अब क्या है कि आपने अपनी जॉइंट एल्बो तो मूव नहीं करनी, लेकिन अपर लिम से काम तो करना है आपने, कैसे करोगे, या आप रिस्ट का ज्यादा यूज करोगे या आप शोल्डर को ज्यादा यूज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने एल्बो से अपने वो अपर लिम के काम तो करने हैं, एल्बो को आपने उसमें से क्या किया, एक्सक्लूड किया है, तो उसका जो काम है वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, आपके रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर ज्यादा और शोल्डर के ऊपर। तो एक सेगमेंट हाइपोमोबाइल था तो उसकी कंपनसेटरी मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट, हाइपर मोबिलिटी कहाँ आ गई, आपके नेबरिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्पाइन भी बिल्कुल उसी तरह एग्जिस्ट करती है कि अगर आपका एक मोशन सेगमेंट हाइपोमोबाइल है, कम हुई भी है उसकी मोबिलिटी, तो उसके ऊपर और नीचे वाले जो जॉइंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उनके ऊपर मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हाइपोमोबिलिटी आपको पता है कि क्या कॉज करती है, आपकी डीजनरेशन को बढ़ा देती है इन द फॉर्म ऑफ स्पर फॉर्मेशन या ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। तो वो एक जगह से काम शुरू हुआ था और होता होता वो आपकी क्या है, आगे पीछे की ऊपर नीचे की जो सेगमेंट्स है उनको भी वो क्या करता चला जा रहा है, इन्वॉल्व करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ एज भी आपकी बढ़ी होती है, एज का फैक्टर भी आ रहा होता है, तो ये जो डीजनरेटिव चेंजेस होती है ना, ये इरिवर्सिबल भी हो जाती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी एजिंग के साथ भी है, इनका ताल्लुक आपके और बहुत सारे फैक्टर्स के साथ है। तो समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको रिड्यूस करना, बिल्कुल 100% रिड्यूस कर देना, एक 60 ईयर्स के जो पेशेंट है उसको बिल्कुल आप 20 ईयर्स के बंदे की बोन्स और ज्वाइंट्स की तरह का बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ पेन जो है वो ऑब्वियसली जॉइंट्स में मूवमेंट में बढ़ जाएगी। डीजनरेशन रीजनरेटिंग जॉइंट इज वल्नरेबल टू फैसेट इंपिंजमेंट, स्प्रेन्स एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वो बाकी के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करेगा। इन सम पेशेंट्स मूवमेंट रिलीव द सिम्टम्स, इन अदर मूवमेंट इरिटेट द जॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, डिपेंड करता है कि फिर वो स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मूवमेंट के साथ पेशेंट को जो है वो पेन रिलीव होता है, सिम्टम्स रिलीव होते हैं, और कुछ में पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आरए के बारे में आप लोगों को पता होगा, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, जिससे आपको सिंपल ऑटो इम्यून डिजीज है और मल्टीपल जॉइंट्स को जो है ये आपकी बॉडी में इन्वॉल्व करती है, और एसिमेट्रिकली जो है वो काइंड ऑफ इसकी अपेयरेंस जो है वो आती है। पेन और स्वेलिंग जो है ना, इसका बहुत बड़ा हॉलमार्क है, पेन तो सबसे ज्यादा, ठीक है, और साथ में स्वेलिंग, एडिमा आपके जॉइंट्स के अंदर। सर्वाइकल स्पाइन में अगर आरए है तो वो ट्रू साइंस आपके जो है ना वो शो करेगा न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, इसमें फॉल्स भी आते हैं, ट्रू भी आते हैं, मतलब ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना वो आपके इसको प्रेजेंट कर रहा होता है पेशेंट। फ्रेजिलिटी जो है ना टिश्यूज की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यून है, आपकी बॉडी के टिश्यूज अपनी ही बॉडी को जो है वो क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके जो फिटीक का एलिमेंट है और फ्रेजिलिटी का एलिमेंट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिस्ट की फॉर्मेशन होती है विद ऑस्टियोपोरोसिस। अब जॉइंट जो है, डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपके सामने आता है विद सिस्ट फॉर्मेशन, जगह जगह डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर जो है वो सिस्ट की फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। बोन की इरोजन होना शुरू हो जाती है, बोन डी शेप हो जाती है, आपकी डिफॉर्मिटीज जो है वो डिफरेंट काइंड की बन जाती है, और लिगामेंटस निक्रोसिस की वजह से इनस्टेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि लिगामेंट अगर आपका डैमेज है तो उसने आपको बेसिक, वो आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपके बोन्स को स्टेबल करके रख रहा है, तो अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, दैट मींस कि आपकी बोन्स जो हैं और पूरी ओवरऑल बॉडी में इनस्टेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। मोस्ट कॉमन जो चीज है इनस्टेबिलिटीज के हवाले से
वो आपकी सर्वाइकल स्पाइन है, उसमें एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी ही देखभाल के करने वाला काम होता है। आरए के पेशेंट को कहा यह जाता है कि जितनी उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आरए के पेशेंट को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको हाथ लगाते हुए बड़ा सोच समझ के हाथ लगाना चाहिए। खास तौर पे अगर पेशेंट आपके पास नेक पेन के साथ आता है तो फिर तो आप जितना पॉसिबल हो सकता है ना आप उसको सोच समझ के काम करें। इवन ये कहा जाता है कि आप आइसोमेट्रिक्स भी बड़ी सोच समझ के कराएं। आइसोमेट्रिक्स क्या है? सिंपल, आपने सिर्फ उसको जो है वो रेजिस्टेंस देनी है। इवन वो रेजिस्टेंस भी समटाइम्स पेशेंट के लिए क्या है, अनबेरेबल होती है और उसकी वजह से आपकी सबलक्सेशन कॉज हो सकती है या समटाइम्स आपकी बोन का फ्रैक्चर। और अगर वो बोन का फ्रैक्चर आपके एटलांटो एक्सियल जो है वो ज्वाइंट के अंदर हो तो बंदा तो गया, ठीक है ना? आपको पता है इस चीज का कि ये ज्वाइंट अगर आपका टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस किस्म के ऑल दो फिजियोथेरेपी के अंदर जो है ना वो ब्लंडर्स की जो जगह है वो बड़ी कम है कि बहुत कम ब्लंडर्स बचते हैं, लेकिन स्टिल हो सकते हैं ब्लंडर्स। और उसमें एक ब्लंडर जो है ना वो ये है कि रूमेटाइड के पेशेंट को आप मैनिपुलेशन कर दो, वो भी सर्वाइकल की। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसको याद रखिएगा कि खास तौर पे आपकी ये जो आरए के पेशेंट है उसको आपने आइसोमेट्रिक्स में बड़ी सोच समझ के करानी है, तो मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत बड़े ब्लंडर है। Inappropriate movements of the spine in patient with RA such as performing cervical manipulation could be life-threatening or extremely debilitating. या तो आप पेशेंट को पैरालिसिस के अंदर ले जाओगे या जो पेशेंट है उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। Because of the potential to cause damage to the cervical cord or vertebral artery, fracture के अलावा जो चीजें आप उसमें इंजर कर सकते हो वो डायरेक्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर कर सकते हो, बंदा पैरालिसिस में चला जाएगा, वर्टिब्रल आर्टरी या आगे और उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आरए के पेशेंट को आप बहुत ज्यादा सोच समझ के हाथ लगाएं। आप उसको जनरल आरओएम एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, आप उसको मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, आप उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस बताएं जो कि वो खुद करे। और क्योंकि उसका जो ये सेशन है फिजियोथेरेपी सेशन, सिर्फ एक दो सेशन से पेशेंट को फर्क नहीं पड़ने वाला, ये उसकी लाइफ लॉन्ग चीज है। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है और जो उसकी लाइफ की जो मॉडिफिकेशन है वो भी लाइफ लॉन्ग ही होनी चाहिए। तो आप पेशेंट को ऐसी चीजें बताएं जो वो खुद से रेगुलर बेसिस के ऊपर करता रहे, जनरल आरओएम, एक्टिव एक्सरसाइजेस, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, हल्की फुल्की बिल्कुल। आपने एक्सट्रीम के ऊपर तो पेशेंट को लेके जाना ही नहीं होता किसी भी टेक्निक की अगर आप बात करें। और मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन तो इसको बिल्कुल आप छोड़ ही देना, भूल जाए इस चीज को। मतलब कि ये जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन है आरए के पेशेंट के अंदर। Schwerman's disease क्या चीज होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपकी स्पाइन के ऊपर कुछ इस तरह से डीजनरेशन हो रही हो कि आपके जो वर्टिब्राज हैं वो कुछ वेज शेप के बन रहे हो और कंप्रेस हो रहे हो, बच्चों के अंदर खास तौर पे जो चिल्ड्रन के अंदर जो डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह भी आप इसमें कह सकते हैं, एंड प्लेट भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है, वीकनेस वगैरह आ जाती है, डेंसिटी बोन की जो है वो रिड्यूस होती है। तो उसमें पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है काइफोटिक पोस्चर के साथ। और वो काइफोटिक पोस्चर क्यों होता है, वो बेसिकली इस वजह से भी होता है कि आपके जो वर्टिब्राज हैं वो वेज शेप के बन चुके हुए होते हैं, ठीक है? ये पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काइंड ऑफ ठीक है, इस तरह की पिक्चर, वेज शेप और बहुत ज्यादा जो है वो काइफोटिक पोस्चर। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, वो ये है कि आपकी जो एंड प्लेट है ना, वर्टिब्रल एंड प्लेट जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसके अंदर प्रॉब्लम इस तरह का आता है, उसकी वीकनेस इस तरह की होती है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ना, आपको पता है कि डिस्क, हमने जो बल्जिंग हर्निएशन पढ़ी थी, हम बात कर रहे थे कि वो पोस्टरोलेटरल निकलती है, पोस्टीरियर साइड पे या लेटरल साइड पे जो दो वर्टिब्राज के दरमियान जगह होती है वहां से वो निकलती है। इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर जब आपकी वर्टिब्रल एंड प्लेट पे वीकनेस आती है तो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस जो है ना वो वर्टिकली जो है ना वो बल्ज आउट कर जाता है। वो किस तरह से, ये आपको पिक्चर जो है वो शो हो रही है, इस तरह के नोड्स जो है वो बन जाते हैं और आपका वर्टिकली जो है ना वो दूसरे वर्टिब्रल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस बल्ज कर जाता है, हर्निएट कर जाता है।
ये इस डिजीज के अंदर जो है वो हो रहा होता है, और ज्यादा जो इसका लेवल है वो T10 और L2 के दरमियान जो है वो इसकी होती है प्रेजेंटेशन ज्यादा, लीड्स टू बोनी निक्रोसिस ऑब्वियसली, ठीक है, और उसके बाद में ऑल्सो बी कॉज बाय इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई टू द ग्रोइंग बोन. अब ये बेसिकली हम इसको ग्रोइंग पेन्स भी हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपकी जो सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ है, जो टीन एज है आपका, उसके अंदर ये ज्यादा देखने में मिलती है, और ये बच्चों की जो है वो एक तरह की डिजीज है, ठीक है. तो ये ग्रोइंग पेन्स जो है वो हम इसको बोलते हैं, और ये कुछ इस किस्म का एक्सरे के ऊपर जो है वो आपको ये चीज शो हो रही होगी. ये आपको जो रेड कलर में आउटलाइंड एरिया आपको करके दिखाया हुआ है, ये जो आपको डिप नजर आ रहा है ये बेसिकली आपके वर्टिब्रल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस जो है डिस्क का वो प्रोट्रूड किया हुआ है. रीजन क्या है? एंड प्लेट की वीकनेस. ओके जी, चल अब आते हैं. ये अभी तक हमने चीजें पढ़ी जो आपकी बोन्स रिलेटेड पैथोलॉजीज थी, फेसेट जॉइंट और आपकी बोन्स की प्रॉब्लम्स. अब आते हैं मसल्स के ऊपर. तो जनरल सिम्टम्स जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स से आते हैं उसमें आपको ऑब्वियसली मोर देन वन टिश्यू इज इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा. जब ट्रॉमा होगा तो आपके जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर जो है वो आपका इंजर हो, स्ट्रक्चर सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक का असर दूसरे के ऊपर आता है. इकट्ठी जो है वो आपके ट्रॉमा से जो है ना वो काफी सारे स्ट्रक्चर जो है वो इंजर हो सकते हैं. अब पेन है इसमें लोकलाइज, ऑब्वियसली स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस है, पेल्पेशन. पेल्पेशन होपफुली आप लोगों को पता हो कि जब किसी चीज को किसी स्ट्रक्चर को आप प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे उसका पेन बढ़े या कम हो, उसको हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये आपका पल्पेशन का मेथड है. प्रोटेक्टिव मसल गार्डिंग. मसल गार्डिंग जरूर होती है. आप लोगों को पता है कि जब मसल के ऊपर इंजरी है तो वो नेचुरल एक कॉम्पनसेशन या नेचुरल हीलिंग का मैकेनिज्म है कि पेशेंट को जो है वो अपने गार्डिंग, प्रोटेक्टिव गार्डिंग जो पोस्टर्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उनमें पेशेंट अपने आप को रखना ज्यादा पसंद करता है. प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से भी जो है वो जी कोई बात करना चाह रहे हैं? टेंडरनेस ऑफ पल्पेशन दोबारा बता दें. ओके, पल्पेशन कहते हैं हम. आप पेशेंट आपके पास आया है और आके आपको वो कह रहा है कि जी मेरे एल्बो के अंदर पेन है, ठीक है. आपने एल्बो को अपने हाथ से, थंब से, फिंगर से हर एरिया को प्रेस करके देखा, उसको फोर्स अप्लाई करके देखा, प्रेस करके, कंप्रेस करके देखा और बताया कि पूछा कि हाँ जी यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है. किसी एक जगह पे पेशेंट जो है जो उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि इंजर्ड है, जब उसके ऊपर आप फोर्स लग रही है, आपकी फिंगर आ रही है, थंब आ रहा है, तो वो कहेगा हाँ जी यहाँ दर्द हो रही है. तो वो बेसिकली आप अपने हाथ के नीचे उस स्ट्रक्चर को लोकलाइज कर रहे होते हो कि ये पर्टिकुलर जगह है जहां से पेन अराइज हो रही है, या यहाँ पे पेशेंट को कंप्रेस करने से पेन हो रही है. ये हाथ से कंप्रेस करना पर्टिकुलर जगह को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैल्पेशन. ये बॉडी में हम कहीं पे भी, हर जहां पे भी आपने उसको असेस करना है, ये हम पेशेंट को करके देखते हैं. ओके अच्छा मैम, जी, थैंक यू. ओके. इरिटेशन जो है वो नर्व एंडिंग्स की हो सकती है, और इरिटेशन आपको पता है वो पेन कॉज करती है. लिगामेंट्स के स्ट्रेन्स हो सकते हैं. अडेप्टिव शॉर्टनिंग और स्कार्स की वजह से आपकी जो है वो हाइपोमोबिलिटी हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, ठीक है. पोस्चरल अलाइनमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. ये जनरल सिम्टम्स हैं जो कि ट्रॉमा की वजह से आएंगे आपके सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर. सॉफ्ट टिश्यूज में सारी चीजें आ जाती हैं. अब जो कॉमन साइट है लंबर के अंदर वो आपकी इलियक क्रेस्ट है. या तो यहाँ पे रेपिटेटिव फॉल्स की वजह से इंजरी के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं. हम गिरते हैं, आइलेट क्रस्ट जो है वो उसके ऊपर चोट लगती है. जो अक्सर आपने सुना होगा कि जी गिर गए थे, कूल्हे के ऊपर चोट लगी है. अब कूल्हा क्या है? बेसिकली वो आपका पैल्विस है, जिसको हम कहते हैं लेमैन टर्म के अंदर. और ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, तो कोई भी आपकी प्रोमिनेंस हो, अगर उसके साथ आपकी चोट लगी है, तो सबसे पहले जो है वो ज्यादा कॉमनली बेचारा यही एरिया आपका सफर कर रहा होता है. रेपिटेटिव लोडिंग इस रीजन के अंदर क्योंकि ज्यादा है, और उसमें खास तौर पे आपकी लिफ्टिंग है, और लिफ्टिंग के साथ अगर ट्विस्टिंग भी अगर आती हो, तो ये एरिया जो है वो ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा होता है. अब सर्वाइकल के अंदर आपके जो रीजन्स हैं वो आपकी नेक है और अपर थोरेसिक बैक, ये बहुत ज्यादा जो है वो ट्रॉमा के साथ अफेक्ट करती है.
कौन से ट्रॉमास, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंजरीज, ऑब्वियसली मूवमेंट रिलेटेड इंजरीज इसमें ज्यादा है. सर्वाइकल के जो ट्रॉमास हैं उसमें आपके फ्रैक्चर्स भी इन्वॉल्व हैं, और फ्रैक्चर्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशन है ना रिलेटेड, वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी. तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी आपको पता है कि आपको पैरालिसिस की तरह जो है वो लेके जा सकती है. एक्सटेंशन इंजरीज होती हैं जो ड्यूरिंग एक्सटेंशन मूवमेंट, अगर आपकी हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट है, तो जैसे कि व्हिप्लैश इंजरीज, आपको याद होगा कि ऑटोमोबाइल के अंदर जो इंजरीज होती हैं उसमें आपकी नेक जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इंजरी किस तरह की हुई है, वो हाइपर फ्लेक्शन की तरफ जाती है, हाइपर एक्सटेंशन की तरफ जाती है, तो उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस है. हाइपर एक्सटेंशन के साथ आपके फ्रंट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्ट्रेच और टीयर वगैरह आ सकता है. हाइपर फ्लेक्शन इंजरीज के अंदर आपके जो पोस्टीरियर साइड के स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर टीयर आ सकता है, ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है, लैक्सिटी आ सकती है, रप्चर्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स. तो ये आपकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन इंजरीज जो है वो कॉमन है आपकी सर्वाइकल के ट्रॉमास के अंदर. पोस्टरल स्ट्रेन्स, ठीक है. अब पोस्टरल स्ट्रेन्स का मतलब ये है कि अगर आपके फॉल्टी पोस्टर्स हैं और वो प्रोलॉन्ग पोस्टर्स हैं, आपने हैबिचुअल हैं आप कि आपके पोस्टर जो है वो खराब है, फॉल्टी है, तो वो प्रोलॉन्ग होने की वजह से, सस्टेन होने की वजह से वो आपके मसल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेन कॉज कर रहे होते हैं. अब अगर एक मसल जिसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेच वीकनेस है, आपने उसको ऐसी पोजीशन के अंदर रखा हुआ है, स्ट्रेच पोजीशन के अंदर रखा हुआ है, सस्टेन स्ट्रेच पोजीशन, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेन की तरफ जो है वो चला जाएगा, उसमें स्ट्रेन की इंजरीज जो है वो बढ़ जाएंगी उसके. अब strain to the posterior cervical, scapular and upper thoracic muscles and fascia is common with postural stresses such as prolonged sitting at a computer terminal, drawing table, ठीक है, जो forward head posture है वो है आपका, rounded shoulders है, bikers के अंदर ये चीज ज्यादा होती है, rounded shoulders जो बहुत ज्यादा bike ride करते हैं. Computer workers के अंदर वही आपका forward head posture आ जाता है. Structures in the low back region are sustained with faulty standing and sitting posture. अब slouch sitting posture है तो आपकी injury बढ़ जाएगी उसकी lumbar के region के ऊपर. आपकी standing अगर posture ज्यादा है, like security guard type आपकी कोई job है जिसमें खड़े होने वाला काम ज्यादा है, ठीक है, तो उस केसेस के अंदर आपकी जो है वो लोडोसिस रिलेटेड इंजरीज बढ़ जाएंगी. तो पोस्टर रिलेटेड आपके क्या है, मसल्स के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाएगा और इंजरी जो है वो आप उसके लिए रिस्क फैक्टर्स उसके बढ़ते चले जाएंगे. एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन. अब जब आपकी एक्यूट इंजरी है, मसल गार्डिंग जो है वो डेफिनेटली होगी. मसल गार्डिंग तो है ही यही चीज कि एक्यूट इंजरी के अंदर आपको मजीद इंजरी से बचाना, बेसिकली आम लफ्जों में अगर हम बात करें कि आप वो पर्टिकुलर मसल, वो पर्टिकुलर एरिया, वो सेगमेंट आप ना यूज करें. जब पेन होगी तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज को अवॉइड करेंगे कि यार हमें पेन ना हो. अब जब हम उस मूवमेंट को अवॉइड करेंगे, हम एक तरह से गार्डिंग कर रहे हैं, और वो गार्डिंग क्या हो रही है कि वो जो हीलिंग है प्रोसेस उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि यार वो अच्छे से आपको हील आउट करते. तो जो एक्यूट इंजरीज है, जो स्टेजेस है, उसमें मसल गार्डिंग की वजह से आपकी जो बेसिक एक्टिविटीज है डेफिनेटली वो क्या होंगी, लिमिट करेंगी, रिड्यूस करेंगी, रिस्ट्रिक्ट करेंगी. अब उसमें क्या है, रोलिंग ओवर है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सारी आपकी क्या है, डेली एक्टिविटीज हैं, बेसिक एक्टिविटीज हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है एक्चुअली हमारा. एज वेल एज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन फैमिली वर्क एंड रिक्रिएशनल डिमांड. इवन आपके जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं, आपके किचन का अगर आपके ऊपर कोई ड्यूटी है आपसे वो नहीं हो रही होती, आपका कोई फैमिली रिलेटेड कोई काम है, आपके जैसे लड़के हैं उनको कोई बाहर का आने जाने का काम है, कोई चीजें वगैरह लेकर आनी होती हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, वो आपकी लिमिट कर रही होती हैं, आप आपसे उनमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते. विद सब एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस, अब ये स्टेजेस हैं डिफरेंट आपके ट्रॉमास की और उसकी हीलिंग की स्टेजेस की. अब सब एक्यूट और क्रॉनिक जो कंडीशन है वो बेसिकली क्या है कि आपकी उसमें पुअर स्टेबिलाइजेशन एंड स्पाइनल कंट्रोल इन प्रोलॉन्ग अपराइट पोस्चर्स एंड एक्टिविटीज, कि इसमें आपकी जो सब एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस वो उसमें अब पेन का तो इतना एलिमेंट नहीं रहता क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन अगर सबसाइड हो गई है तो आपकी पेन भी उसके साथ बेहतर हो जाती है. लेकिन अब असल प्रॉब्लम क्या रह जाता है पीछे, आपकी पुअर स्टेबिलाइजेशन, आपके मसल्स का पुअर कंट्रोल, आपके स्पाइन का पुअर कंट्रोल, वो बेसिकली आपको क्या कर रहा होता है, वो आपको लिमिट कर रहा होता है आपकी
एक्टिविटीज में. आप ऐसा तो नहीं है कि आप वो काम कर ही नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब वो आप काम ज्यादा करेंगे आप उसमें जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. लेट से पेन जो रिड्यूस हो गया लेकिन स्टिल आपके फॉल्टी पोस्चर्स की वजह से या कोई और ट्रॉमा कह लें, कुछ भी ट्रॉमा आप कह लें, उसकी वजह से आप कंप्यूटर का वर्क कर तो रहे हैं. मैं लेट से ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, मैं आती हूँ ठीक ठाक आती हूँ, अपना काम शुरू भी करती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं जल्दी थक जाऊंगी. क्यों? क्योंकि मेरी स्टेबलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, पुअर है, कंट्रोल पूरा सही नहीं है मसल्स का, तो वो मेरी एक्टिविटीज को समहाउ क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. अब जो स्पाइनल इंस्टेबिलिटी है उसकी पैथोमैकेनिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पाइन के ऊपर इंस्टेबिलिटी आती है वो पैथोमैकेनिकली किस तरह से है. तो वो याद करें कि हमने एक चीज पढ़ी थी, न्यूट्रल जोन पढ़ा था और इलास्टिक जोन हमने पढ़ा था इनर्ट स्ट्रक्चर्स का. और वो क्या था? न्यूट्रल जोन द एरिया दैट इज मिड रेंज इन द आरओएम ऑफ अ स्पाइनल सेगमेंट इन विच नो स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन द पैसिव ऑस्टियोलिगामेंटस स्ट्रक्चर्स. जो इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो मिड रेंज है, हर स्ट्रक्चर की एक रेंज है ना, उसका काम करने का एक रेंज है. अब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जो मिड रेंज है जिसमें उसके ऊपर कोई खास किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, जिसमें उसको स्टेबिलिटी देने की जरूरत हो, वो बेसिकली उसका क्या है, न्यूट्रल जोन है. और न्यूट्रल जोन जो है ना वो रिलेटिवली स्मॉल होता है अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें. जो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं उनके न्यूट्रल जोन छोटे होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका काम है स्टेबिलिटी देना, और स्टेबिलिटी जो है वो आपको कब आएगी, आपके इलास्टिक जोन्स के अंदर वो आपको प्रोवाइड करेंगे. अब अगर ये जो न्यूट्रल जोन है इसकी पहले डायग्राम देख लेते हैं कि ये डायग्राम है आपके पास, ये नॉर्मल है, इसमें छोटा सा ये न्यूट्रल जोन है, यहां से यहां तक रेंज है. ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां पे लिगामेंट को, नॉर्मल लिगामेंट को स्ट्रेस पड़ेगा और उसको अपना काम करने की जरूरत पड़ेगी और आपको स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ेगी. अब अगर हम क्या करें, न्यूट्रल जोन आपका कम हो जाए, ठीक है, और आपका इलास्टिक जोन अगर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपकी ये जो एरिया है जिसमें लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेस आना था और उसने काम करना था वो बढ़ जाएगा. लिगामेंट का काम बढ़ गया, लिगामेंट का स्ट्रेस बढ़ गया, लिगामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ही चांस बढ़ता चला जाएगा कि उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए और वो प्रॉपर वर्क ना कर सके और आपको स्टेबलाइज ना कर. ये बेसिक है कि आपकी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी अगर आपका ये जो एरिया है वो बड़ा होता चला जाए और ये रिलेटिवली जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो, स्मॉल होता चला जाए. अब ये जो डायग्राम है ना, ये आपको ये दिखाया हुआ है कि ये न्यूट्रल जोन है, इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आता. अब बाकी की जो डायरेक्शन, स्टार डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं, और ये ब्लैक लाइन है लिमिट एक स्ट्रक्चर की. अब एक स्ट्रक्चर ने लाइट से इस डायरेक्शन के अंदर ये न्यूट्रल जोन है और उसके बाद यहां से लेके इसका ये लिमिट वाला एरिया है, यहां तक उसने आपको इलास्टिक जोन है जिसमें उसने उसके ऊपर स्ट्रेस भी अप्लाई होगा और उसने आपको स्टेबिलिटी भी देनी है. अब लेट से कि आप इसको बढ़ाते चले जाओ, आप लिमिट को बढ़ाते चले जाओगे तो इलास्टिक जोन तो बढ़ता चला जाएगा. इलास्टिक जोन बढ़ेगा तो इसका मतलब है उसके ऊपर स्ट्रेस का टाइम, ड्यूरेशन, जो एरिया है वो सारा कुछ बढ़ता चला जाएगा, इनस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे. If there is an increase in the neutral zone, the segment may show sign of instability. More segmental movement may occur. Owing to this degeneration, spondylosis, spondylolisthesis or ligamentous laxity. ठीक है, अब instability के साथ ये वाले issues भी आ जाते हैं. The individual may experience neck or back pain when aberrant movement occur at the segment or stresses are imposed at the end of the range. अब end range के ऊपर जो है वो जब stresses का बढ़ जाना आपके क्या है, patient को movement के साथ pain जो है वो cause करता है. अब जनरल इसकी जो मैनेजमेंट है स्पाइन की उसको अगर हम डिस्कस करें तो अप टू 60% ऑफ एक्यूट बैक इंजरीज रिजॉल्व विद इन 1 week. जो आपकी एक्यूट इंजरीज हैं 60% तक वो 1 week के अंदर क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है. और 90% जो है वो रिजॉल्व हो जाती है विद इन 6 weeks. मतलब आपके पास एक्यूट पेन्स के भी अगर आप देखो तो 1 week से लेके 6 week तक का आपके पास टाइम आ गया कि जिसमें मैक्सिमम आपकी जो इंजरीज है 90% वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी. 1 से लेकर 6 week तक, 1.5 महीने में
आपकी एक्यूट पेन्स जो है वो ठीक हो जाती, और उनका जो रिकरेंस रेट है वो लेस देन 25%। ठीक, डिसेबिलिटीज जो है ना वो डिपेंड करती हैं आपकी इंजरी के एक्सटेंट के ऊपर। इंजरी कितनी हुई है, किस लेवल की इंजरी है, वो डिसाइड करती है कि आपकी डिसेबिलिटीज का लेवल क्या होगा। डेफिनेटली अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो उसकी तो डिसेबिलिटी का लेवल ही फर्क हो जाएगा ना। पैरालिसिस की फॉर्म में अगर आपके पास रिजल्ट निकलता है तो लेवल्स ऑफ कंप्लीट पैरालिसिस में अगर, अब जिस लेवल में जाके आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई है उससे आगे आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा पैरालिसिस का। स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन के लेवल पे अगर हो गया तो क्वाड्रिप्लेजिया है, चारों के चारों लिम्स इन्वॉल्व है। लोअर साइड्स के ऊपर अगर इन्वॉल्व है तो हो सकता है कोई एक लिम इन्वॉल्व हो, या आपके लोअर लिम इन्वॉल्व है, या सिर्फ अपर लिम इन्वॉल्व है, या हाफ आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स के आपका जो इंजरी का एरिया है स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल के ऊपर आपकी इंजर हो रही है। जी मानूर, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है आपका बेटा? मैम वो जो आपने अभी डायग्राम दिखाई है बंजी कॉर्ड और बोल वाली, वो रिपीट करते हैं कि थोड़ी सी? चलें वो मैं एट द एंड दोबारा रिपीट करती हूँ, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक मैम। अच्छा जी, अब क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है उसके अंदर अगर आपकी नर्व रूट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, यू ऑल नो वेरी वेल होपफुली अब तक तो आइडिया हो गया होगा कि उसकी वजह से आपके मोटर लॉस भी हो सकता है, आपका सेंसरी लॉस भी हो सकता है अगर हम ट्रू साइंस की बात करें तो। ठीक है, उसकी वजह से आपकी एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, अफेक्ट हो सकती हैं। लाइक अफेक्ट किस तरह से होंगी, अगर आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन जा रही है तो आपको वो चीजें सेंस करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी काइनेस्थेटिक सेंस जा सकती है। ठीक है, पोजीशनिंग आपकी जो जॉइंट की पोजीशन सेंस है वो लॉस हो सकती है। अब अगर मोटर की तरफ बात करें तो मोटर की तरफ से तो आपने सारा काम करना है, जो एक्टिविटीज है वो आपका मोटर कंट्रोल है, मोटर कंट्रोल में वीकनेस आएगी तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। अपर क्वार्टर नर्व्स रूट्स जो हैं वो आपकी अपर लिम को सपोर्ट कर सप्लाई करती हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी अगर उसको वो इन्वॉल्व होती है। लोअर क्वार्टर का काम आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करना है, फंक्शन उसका प्रोड्यूस करना। अब एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन जो है वो आपकी स्पाइन के अंदर वो इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि हिस्ट्री जो है वो हर असेसमेंट के अंदर हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमिक रिव्यू टेस्टिंग स्क्रीनिंग जो है वो बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट है। सीरियस जो रेड फ्लैग साइंस हैं वो देखने जरूरी हैं। रेड फ्लैग साइंस का मतलब होता है कि खतरा, वो जो एक रेड कलर और उससे आइडिया ले लोगे, वो जो कोई इस तरह के एरियाज होते हैं या ऑयल टैंकर्स के पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जी वो खतरे का साइन बना हुआ होता है, जो ये आपके ये लगे नहीं होते सर्किट जो लगे होते हैं, मेजर जो पॉइंट्स होते हैं आपके सर्किट के, इलेक्ट्रिकल सर्किट के, वहां पे भी आपको ये साइन बने हुए नजर आते, बिल्कुल उसका मतलब ये होता है कि बस दूर ही रहें, यही मतलब होता है ना खतरे का कि दूर रहें, करीब ना आए। हमारी इवैल्यूएशन के अंदर जो असेसमेंट है रेड फ्लैग साइंस का मतलब होता है कि इस पेशेंट से दूर रहें। कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस होते हैं कि इसमें आपका हाथ लगाना एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है, दूर रहें, रेफर करते हैं पेशेंट को, अपना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा रेफर करें। उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, उसमें आपके ट्यूमर्स हैं, ठीक है, ट्यूमर का फैलने का खतरा होता है ड्यू टू मूवमेंट, दूर रहें। कॉर्ड साइंस हैं, स्पाइनल कॉर्ड साइंस, दूर रहें, आप इसको मजीद इंजर कर देंगे। रीसेंट ट्रॉमा विद फ्रैक्चर, दूर रहें, आप मूवमेंट कराएंगे आप उसको अगले को और खराब कर देंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही मूवमेंट है, हमारी तो थेरेपी ही थ्रू मूवमेंट है, और तो है कुछ नहीं। तो मूवमेंट के साथ जो चीजें खराब होने वाली होती हैं वो आपकी प्रॉपर आपके क्या है रेड फ्लैग साइन, दूर रहें। पेशेंट दो तरह के प्रॉब्लम्स आपको आके बता सकता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे दर्द होती है, ठीक है, मैं सुबह सो के उठता हूँ, मतलब आराम से सो के वो उठा है उसके बाद उसको दर्द होना शुरू हो गई है, ये एक चीज है। पेशेंट कहे कि मेरी रात को आंख खुलती है दर्द की वजह से, ये बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज है, ये आपका रेड फ्लैग साइन है। पेशेंट की आंख खुलना दर्द की वजह से ये आपका काम नहीं है, पेशेंट को रेफर करें, कोई ना कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम चल रहा होगा अंदर, वो आपका काम नहीं है।
रेफर कर दें उसको। हाँ पेशेंट सो के उठा है, ठीक ठाक उठा है, उसके बाद उसको दर्द होना शुरू हुई है, अब आप देखें कि इसमें आपका कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है, अब आप देखें कि इसमें आपका क्या काम। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस, ये आपके येलो साइंस होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, उसके पहले ही हाथ उठा लें, लिटरली हाथ उठा लें, आपका काम नहीं है। येलो साइंस होते हैं जिसमें मजीद आपको हेल्प की जरूरत होती है किसी और फील्ड की, लाइक से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पेशेंट का मैकेनिकल पेन है, उसको दर्दे हैं, उसको प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, आप उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सोर्स है ना दर्द का, वो उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी है, उसके मूड स्विंग्स, उसकी टेंशंस, उसके इमोशनल इश्यूज हैं, वो आपके ट्रीटमेंट को ना 100% के ऊपर नहीं लेके जाने दे रहे होते। तो ऐसे टाइम पे आप अपना ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें एहतियात की जरूरत होती है, ठीक है, एहतियात की जरूरत होती है कि आपने इसको बिगाड़ना नहीं, और आपको साथ में कुछ और हेल्प भी चाहिए हो, तो वो आपके क्या है येलो साइंस आ जाते हैं, लाइक आपके साइकोलॉजिकल साइंस। आप पेशेंट को रेफर करें, अपने साथ अपना ट्रीटमेंट जारी रखें, लेकिन साथ में आप पेशेंट को जो है वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास इसको रेफर करेंगे, जी साथ में आपकी भी जरूरत हो। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को असेस करना जरूरी है, ठीक है, पेन का पैटर्न जो है वो देखना, पेन किस तरह की है, इंटरमिटेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, इंटरमिटेंट है कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, मूवमेंट से होती है नहीं होती है, मूवमेंट से रिलीव होती है नहीं होती है, ये चीजें देखना जरूरी है, कब होती है, सुबह में होती है, शाम में होती है, काम करने से पहले होती है, काम करने के बाद होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पेन के पैटर्न के अंदर आ जाती है, पेन का बिहेवियर है, पैटर्न है, किस तरह से, ये सारी चीजें आपको असेस करना जरूरी है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको किसी एक तरफ लेके जाता है। पेन आपको काम करने न्यूरोलॉजिकल एस एक्स क्या है सिम्टम्स, ये बेटा एस एक्स जो है ये सिम्टम्स की एब्रीवेशन है, अच्छी बात है साथ साथ पूछ लिया करो, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें ना बड़ी नॉर्मल है, तो वो समटाइम्स हो सकता है मैं रवानी में बोल जाऊं पर आपको वो चीज समझना है, पूछ लिया करो। एस एक्स का मतलब है सिम्टम, ये एब्रीवेशन है सिम्टम्स की, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या बात करने लगी थी कि हाँ पेशेंट आपको ये कहता है कि जी मेरा पेन काम करने के बाद बढ़ता है, दैट इज मैकेनिकल पेन, आप मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर है उनकी तरह जाए। पेशेंट का पेन जो है वो आपके काम करने से पहले से हो रहा है, वो आपका सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा है उसमें, ठीक है, तो ये आपका हर क्वेश्चन जो है वो आपको किसी एक तरफ लेके जाता है, ये सवाल बड़े जरूरी है, हिस्ट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री से आपने बेसिकली पेशेंट से उसका असल प्रॉब्लम निकालना होता है उन सवालों से। अब जो स्टेजेस ऑफ रिकवरी येलो साइन जो है, जी बेटा दोबारा पूछिए मैम, येलो साइन हमसे स्ट्रेस की, मुझे बेटा समझ नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ कि येलो साइन हम सिर्फ स्ट्रेस के लिए यूज करेंगे, येलो साइंस हम, आप क्या पूछ रहे हो बेटा, मुझे एक्चुअली आवाज सही तरह से नहीं आ रही है। मैम वो कह रही है येलो साइन सिर्फ डिस्ट्रेस के लिए यूज करेंगे साइकोलॉजिकल, येलो साइंस में आपके साइकोलॉजिकल साइंस आते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखी हुई, और ऐसी कंडीशंस जिनमें आपको एहतियात की जरूरत है, आप कर सकते हो वो काम, अपनी थेरेपी दे सकते हो, बट आपको एहतियात चाहिए होती है, ठीक है, केयर चाहिए होती है, प्रिकॉशंस चाहिए होती है, बिल्कुल हाथ उठाने वाले हिसाब नहीं है, लेकिन आपको एहतियात जरूरी है, ठीक है, इस तरह की चीजें। अच्छा जी आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ रिकवरी में अब एक्यूट इंफ्लेमेटरी स्टेज अगर जो है, अब वो एक्यूट इंफ्लेमेटरी क्या है, लास्ट लेस देन 4 वीक्स, ठीक है, ये उसका एवरेज लिमिट जो है वो बताई हुई है कि 4 वीक्स से कम तक जो है वो ये चलती है, और उसके अंदर ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट पेन है, इन्फ्लेमेशन की अपनी जो है ना वो पेन होती है, एडिमा है, स्वेलिंग है, वो इट्सेल्फ आपको पेन कॉज कर रहा होता है, केमिकल इरिटेंट्स होते हैं,
वो 8 साल का आपको पेन कॉज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी मेडिकल इंटरवेंशन जो है ना वो ज्यादा जो है उस टाइम आ जाती है एज कम्पेयर टू योर एनी फिजिकल थेरेपी, जो आप कह लो कि एक्सरसाइज थेरेपी से ज्यादा यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है आपकी थ्रू मेडिकेशन थ्रू मोडालिटीज. अगर आप अपनी थेरेपी की बात करो तो आप उसमें मोडालिटीज यूज कर सकते हैं कि उससे आप पेन रिड्यूस कर सके, उसको पेशेंट को आपने कंफर्टेबल ज्यादा करना होता है. ठीक है, पेशेंट की एजुकेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज से बढ़ जाएगी, किससे रिलीव होगा, ये चीजें. तो एक्यूट जो इंफ्लेमेटरी स्टेज है उसमें एक्सरसाइज थेरेपी से ज्यादा आपकी कुछ मेडिकल इंटरवेंशन और कुछ आपकी मोडालिटीज और ज्यादा आपका जो पेन कंट्रोल जो टेक्निक्स है वो इम्पोर्टेंट होती है. उसमें आपका प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा, वो आपने पढ़ा होगा, हल्की पुल की आरओएम एक्सरसाइजेस. ठीक है, या आप मसल सेटिंग की तरफ भी जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप मेडिकल इंटरवेंशन दो, जब वो सबसाइड कर जाए, सब एक्यूट में आ जाए, तो फिर आप जाके अपना कोई थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करो. अब जैसे ये एक्यूट सब स्टेज है जिसमें विदाउट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, अभी वो एक्यूट फेज ही है लेकिन इन्फ्लेमेशन अब क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. अब उस टाइम पे अब ये जो है वो आपकी जो कंडीशन है ये आपकी लेस देन 4 वीक्स ही इसको हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, सिम्टम्स आर इंटरमिटेंट एंड रिलेटेड टू मैकेनिकल डिफॉर्मेशन. अब क्या है कि इंटरमिटेंट है, इंटरमिटेंट का मतलब है चेंज होते रहना विद सिचुएशन विद मूवमेंट मैकेनिक्स के साथ, आपकी क्या है मैकेनिकल जो स्ट्रेसेस वगैरह उनके अकॉर्डिंग इसका पेन का सिम्टम्स का चेंज होते रहना, ये आपके सब एक्यूट स्टेज. नर्व की इरिटेबिलिटी होगी इसके अंदर. ठीक है, अगर नर्व से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपके वो उसमें इंजर हो रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं. अब यहाँ पे हमने देखना होता है ये चीज आई थिंक आप लोगों के लिए नहीं होगी, एक्सटेंशन बाइस्ड है वो पेशेंट, फ्लेक्शन बाइस्ड है या वो नॉन वेट बेरिंग बाइस्ड है. गौर से सुनना ये बात, ये शायद आप लोगों के लिए नई बात हो. पेशेंट आता है ना, हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से वेरी कर रहा होगा, दोनों को बैक पेन है, दोनों का इकट्ठा जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, दोनों एक ही एज के हैं, दोनों साथ ही आए हैं आपके, एक ही टाइम पे आपसे ट्रीटमेंट लेने आए हैं, दोनों का मोड ऑफ इंजरी भी सेम था, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि वो दोनों पेशेंट्स जो हैं वो अलग अलग हों, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अफेक्ट होने वाले अलग अलग हों, सारा कुछ सेम होते हुए भी. अब उसमें क्या है कि जब पेशेंट आता है आपके पास, जब आप उसको असेस करते हो, तो उसमें दो चार चीजें पूछने वाली ना बड़ी इंपॉर्टेंट पूछने वाली होती है. खास तौर पे अगर हम लो बैक की बात करते हैं तो उसमें पेशेंट से ये पूछने वाला बात होती है कि आपको ज्यादा तकलीफ या ज्यादा दर्द किस पोजीशन में होती है, आगे की तरफ झुकने में या पीछे की तरफ बेंड करने में. ठीक है, मैं लेमैन वर्ड्स में बता रही हूँ जो हम पेशेंट के साथ यूज करते हैं, इन जो मेडिकल टर्म्स या हमारी जो एजुकेशनल टर्म्स है उनमें अगर हम बात करें तो पेशेंट का पेन जो है वो किस मूवमेंट में प्रोवोक करता है, एक्सटेंशन के अंदर या आप फ्लेक्शन के अंदर. ठीक है, अब पेशेंट इन दोनों में से कोई एक चीज आपको बताएगा कि मुझे आगे झुकने में जो है वो दर्द ज्यादा होता है, सीधा खड़े होने में पेन मेरा ठीक होता है. अब यहां से आपको पता चला कि जिस मूवमेंट के अंदर पेशेंट का पेन कम है, याद रखना दोबारा सुन लो, जिस मूवमेंट के अंदर पेशेंट का पेन कम हो हम उसको कहते हैं कि ये मूवमेंट बाइस्ड. क्या, अब उसने कहा कि मेरा पेन सीधा खड़े होने में कम है, दैट मींस एक्सटेंशन में उसका पेन कम है, ये पर्टिकुलर पेशेंट क्या है, एक्सटेंशन बाइस्ड पेशेंट है. हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन बाइस्ड पेशेंट, और इस पेशेंट को हम सिर्फ वो एक्सरसाइजेस बताएंगे जो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस होंगे, जिनमें स्पाइन की एक्सटेंशन हो रही होगी, हम उसको फ्लेक्शन पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फ्लेक्शन से उसका पेन बढ़ रहा है. कोई पेशेंट ऐसा आता है जैसे ये एक्सटेंशन के केस में हमने लास्ट टाइम डिस्क के रिलेटेड पढ़ा था, डिस्क के जो बल्ज के पेशेंट है वो कहते हैं कि जी हमारा एक्सटेंशन के साथ स्टैंडिंग में खड़े रहने में वॉकिंग में हमारा जो है वो पेन अच्छा रहता है, रिलीफ मिलता है, वो एक्सटेंशन बाइस पेशेंट है. कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके पास आते हैं फ्लेक्स्ड पोस्चर के साथ,
और वो आपको कहते हैं कि मुझे झुकते हुए आसानी रहती है, मैं झुक के बैठता हूँ, झुक के खड़ा होता हूँ तो मेरा पेन कम होता है। अब इसका मतलब है कि ये पेशेंट आपका फ्लेक्शन बाइस्ड का है और इसको आपने वही एक्सरसाइजेस करानी है जिसमें फ्लेक्शन हो रही है स्पाइन की, आप एक्सटेंशन के ऊपर पेशेंट को नहीं लेके जाएंगे। अब जैसे स्पाइन, ये फ्लेक्शन बाइस का केस ये ऐसे पेशेंट के साथ होगा जिसमें स्टीनोसिस है, फोरामिनल स्टीनोसिस अगर पेशेंट को हुआ हुआ है तो डेफिनेटली अगर वो बैकवर्ड माइंड करेगा तो फोरामिना तो और रिड्यूस कर जाएगा उस एक्सटेंशन के एरिया में, उसका पेन बढ़ेगा। तो पेशेंट फ्लेक्शन पोस्चर अटेन करके रखता है ताकि फोरामिना की जो स्पेस है ना वो किसी तरह से बढ़ी रहे और उसका पेन ना हो, वो झुकने में ज्यादा बेहतर महसूस करता है। तो आप उसको ऐसी एक्टिविटीज गाइड करेंगे जिसमें ज्यादा जो है ना वो आपकी फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस हों ताकि पेशेंट का पेन बढ़े नहीं, तब तक जब तक आप उसका वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करते थे। जब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा फिर आप उसको न्यूट्रल पोस्चर की तरफ लेकर आए। ठीक है, टेक्निक्स हैं वो आगे पढ़ते हैं आगे अगले लेक्चर्स में, अगले चैप्टर के अंदर। अब एक और हो सकता है पेशेंट नॉन वेट बेरिंग बाइस्ड। अब ऐसा पेशेंट जिसको वेट बेरिंग के साथ प्रॉब्लम होती है, अब आप उसको वेट बेरिंग तो नहीं कराओगे ना, फिर आप उसको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर रखोगे जिसमें उसकी स्पाइन के ऊपर जो वेट है कंप्रेशन है वो रिड्यूस हो रहा हो, या आप उसको ट्रैक्शन जो है वो दोगे ताकि उसका जो कंप्रेशन है जॉइंट्स के ऊपर वो रिजॉल्व हो। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। सब एक्यूट की अगर हम बात करें जिसमें अब मैम, जी 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 बेटा बोलिए। मेरा मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो मैम मैंने टाइप करके बता दिया, ये क्वेश्चन बता दे मुझे। मुझे मजे की बात है आपकी भी बात समझ नहीं आई आपने क्या कहा। मैम मैंने क्वेश्चन आपको मैं सेंड किया है, वो मुझे उसका आंसर बता दे। मेरा मैम मैंने आपको बात क्वेश्चन टाइप कर, किया है। अच्छा जी हाँ जी, वो पूछ रही है कि जो बाइस्ड पोजीशन यस मैम मैंने होगी, हाँ, जो बाइस्ड पोजीशन होगी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को वही एक्सरसाइजेस कराएंगे। बिल्कुल यही पॉइंट है, जिस एक्सरसाइज जिस मोशन में जिस मूवमेंट में पेशेंट को रिलीफ है आपने वही करा, आपने दूसरे के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, वो एक्सटेंशन बाइस्ड है आप उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, वो फ्लेक्शन बाइस्ड है आप उसको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कराएंगे, वो नॉन वेट बेरिंग बाइस्ड है आप उसको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, आप वेट बेरिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप उसको ट्रैक्शन बता सकते हैं जिससे उसका जो कंप्रेशन है वो रिलीव हो रहा हो। चलो आगे चलते हैं लेक्चर, हालांकि छोटा था लेकिन टाइम हमारा जो है ना वो काफी ज्यादा लग गया। सब एक्यूट की बात करते हैं। अब क्या है कि सब एक्यूट पहली कंडीशन थी जिसमें आप इंफॉर्मेशन की बाहर की बात करते हैं। अब 4 से 12 वीक की अगर हम बात करें, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपका सब एक्यूट फेज चलता है जिसमें आपकी पेन तो अब नहीं है, इंफ्लेमेशन भी आपको जो है वो कम है, बल्कि पेन कम है और इंफ्लेमेशन नहीं है, लेकिन आपकी सर्टेन पोस्चर्स और मूवमेंट्स जो है ना वो इस तरह से हैं कि आपका वो प्रॉब्लम आपके IADLs के साथ जो है ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। IADLs क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम नॉर्मल करते तो हैं लेकिन वो ऐसी एक्टिविटीज नहीं है कि अगर हम वो ना करें तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी। लाइक शॉपिंग है, करते हैं, सबको शौक होता है, कुछ की बात ही जिंदगी होती है शॉपिंग, कुछ लड़कियों की आदत होती है, कुछ ना भी करना हो तो चलो जी उठ के शॉपिंग करने चले जाओ, लेकिन ये ऐसी चीज है कि अगर आप 2-4 दिन नहीं करेंगे, लाइक लॉकडाउन हो गया था आपने नहीं की, मुश्किल जरूर हुई है लेकिन गुजारा हो गया, ऐसा ही है। हाँ, अगर आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे ये गुजारा ना होने वाली बात। ADLs क्या होते हैं? आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिनके बगैर गुजारा नहीं है। और इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग का क्या मतलब है? IADLs वो हैं एक्टिविटीज जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं, जरूरी हैं बट वो ऐसी जरूरी नहीं है कि उसके बगैर आपका गुजारा ना हो। ठीक है, तो अब जैसे ये गार्डनिंग है आपका शौक है, हॉबी है, आप करते हैं,
लेकिन आपकी ये जो सब एक्यूट स्टेज है ना वो आपकी आईएडीएल्स को इफेक्ट कर रही है, आपसे गार्डनिंग थोड़े ऐसे के लिए नहीं हो रही इस स्टेज के अंदर, 4 से 12 वीक के दौरान आपसे गार्डनिंग नहीं हो पाएगी पेन की वजह से, पोस्चर्स की वजह से, प्रॉब्लम जो आपका चल रहा है, इंजरी जो चल रही है आपकी, लिफ्टिंग जिम वगैरह या कोई और आपका हैवी लिफ्टिंग वाला काम हो, वैक्यूमिंग घर की सफाई वगैरह, ठीक है, ये काम आपके आईएडीएल्स हैं, ये आपके अफेक्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग सब एक्यूट स्टेज 4 से 12 वीक्स के दौरान। अगली स्टेज आपके पास है क्रॉनिक स्टेज, मोर देन 12 वीक्स। अब 12 वीक्स आपको गुजर चुके हैं उस पेन को, राइट? ये जो क्रॉनिक स्टेज है इसमें आपकी पेन भी 90% तक ठीक हो चुकी होती है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी हद तक ठीक हो चुके होते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो पेशेंट को फंक्शनल करने का, कि वो इंजरी से पहले जो काम कर रहा था अब उसमें वो गार्डनिंग भी आ गई है, उसमें वो वैक्यूमिंग भी आ गई है, उसमें वो लिफ्टिंग वगैरह वाले जो भी वो काम इंजरी से पहले कर रहा था, वो स्पोर्ट्स का बंदा था, वो स्पोर्ट्स खेलता था, वो जो भी काम करता था एक्टिविटी से पहले, उस तरफ लेके जाना पेशेंट को, फंक्शनल करना, हाई जो हाई लेवल डिमांड एक्टिविटीज है उनको हैंडल करना, उनको प्रॉपरली पेशेंट से करवाना, ये बेसिक आपका इस स्टेज के अंदर फोकस हो। लिफ्टिंग स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, अब ये आपका हाई जो डिमांड एक्टिविटी है ये वो है। टू स्ट्रेनुअस एथलेटिक एक्टिविटीज, बच्चों को उठाने से लेके इवन आपकी जो विगरेस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड उन तक लेके जाना, ये आपका मेजर फोकस है, कि उसमें फिर आपकी जो है ना वो एरोबिक्स आ जाती हैं, आपकी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, आपकी जो वो क्या कहते हैं मैकेनिकल ट्रेनिंग्स जो है वो आ जाती हैं, डिफरेंट आपकी इक्विपमेंट्स के थ्रू एक्टिविटीज जो कि आपकी डिमांड उसकी जो है ना वो ज्यादा हो, उसके लिए ऑब्वियसली आपके स्ट्रक्चर्स को इस हद तक जो है वो स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन अप और कंट्रोल होना चाहिए कि आप ये सारे काम करें, तो ये क्रॉनिक स्टेज तक आते आते हमारा ये वाला काम। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके 6 महीने के बियॉन्ड भी जो है ना वो चल रहे होते हैं, वो आपके क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें ये टाइम ड्यूरेशन और ये सारी मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है ना ये फिर आगे आपकी परसिस्ट कर रही होती है, कि इनको फिर मजीद आगे तक हमें जो है ना वो लेके चलना होता है, बियॉन्ड इवन 6 मंथ्स भी आपकी ये चीज जा सकती है, वो आपकी फिर वो उस तरह के केसेस हैं जो कि आपका पेन था लेकिन अब वो बिगड़ गया है, उसकी फॉर्म बिगड़ गई है और वो अब क्रॉनिक स्टेज के अंदर चली गई है, और क्रॉनिक चीजें जो है ना वो फिर जो आपका रोल है वो तो उसमें डेफिनेटली रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो बॉडी की अपनी जो है ना वो कंडीशन है, उसका अपना रिवाइवल होता है कि वो फिर आपको रिवाइव बैक करे। जैसे कि आपका फ्रोजन शोल्डर का केस है, वो अगर क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है फिर वो 2 साल ले जाता है ठीक होने में, और फिर वो अचानक किसी दिन ठीक हो जाता है। लिटरली मेरी मदर को फ्रोजन शोल्डर हुआ था, उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी, तब हमें इतना इन चीजों का पता नहीं था कि ट्रीट कैसे करना है क्या नहीं, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मेरी तरफ से तो खैर नहीं था, और वो यही हुआ कि उनका वो जो फ्रोजन शोल्डर था एक्यूट से शुरू हुआ था, झटका लगा था अचानक उनको, और वो फिर क्रॉनिक स्टेज में जो है वो चला गया, और वो मुझे अच्छी तरह से याद है वो 1.5-2 साल उनको जो है वो ये प्रॉब्लम रहा है, उन्होंने हर तरह का काम करके देख लिया था, जो इंट्रालील वो होते हैं आर्टिकुलर इंजेक्शन होते हैं वो लगवा के देख लिए थे, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके देख लिया था, लेकिन वो क्रॉनिक स्टेज के अंदर बेसिकली चली गई थी। और वो भी ठीक किस तरह से हुई थी, मेरी नानी अम्मा उन दिनों में बीमार थी, उनके मतलब लाइफ के आखिरी टाइम था, और वो बेड रिडन थी, तो उनको उठाना, उनका डायपर वगैरह चेंज करना, उनके कपड़े चेंज करना, और वो थी भी कुछ बल्कि, तो वो मामा ने करना होता था। अब वो उस सारे केस के अंदर वो अचानक उनका जो है वो किसी दिन प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गया, वो जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ये काम करते करते जो है वो अचानक से जो है वो उनका वो बाजू ठीक हो गया था, और हम सारे इस चीज को बड़ा जो है वो करते होते थे कि ये अचानक कैसे ठीक हो गया, तो वो चीज बाद में समझ आई कि जब
पेशेंट क्रॉनिक स्टेज के अंदर चला जाता है तो फिर हमारी बॉडी खुद उसको जो है ना वो रिवाइव करती है, और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड है जो वो लेती है, और उसके बाद फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको खुद ही जो है ना वो रिवाइव बैक कर देती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके इस तरह के हैं जो बियॉन्ड 6 मंथ्स भी चले जाते हैं, वो आपकी क्रॉनिक स्टेज में जो है वो चले जाते हैं, और उनका जो रिवाइवल है वो फिर नेचुरल भी होता है, आपकी अपनी कोशिश भी है, बट उसमें कुछ आपका क्या है ज्यादा काम आपकी बॉडी का अपना रिवाइवल। ठीक हो गया जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इसमें अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए, मेरा ख्याल है जनरल बातें थी, मेरे लिए तो खैर वैसे जनरल ही होंगी, लेकिन आप लोगों के लिए अगर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो बेटा वो जरूर पूछ लीजिए। अभी मैं आप लोगों की जरा मैसेजेस पढ़ लूँ, आपने ड्यूरिंग लेक्चर क्या किए थे। मैम वही रिपीट कर दें, वो जो थी बंजी, ठीक है जी, बंजी वाला लेक्चर रिपीट कर देती हूँ आपको। IADS की एब्रिवेशन होती है बेटा इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अच्छा जी, पिक्चर में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है जी हमारी पिक्चर बेटा, ये जो आपकी पिक्चर है ना इसमें ए बॉल, ये ए जो पिक्चर है इसको कंसिडर करो कि ये एक छोटा सा बाउल है, ठीक है, खाने वाला बाउल बस है। नीचे वाली मैम सी पार्ट वाली बता दे, बाकी आगे सी पार्ट ठीक हो गया। ये सी पार्ट जो है ना ये ओवरऑल आपको ये ब्लैक लाइन दिखाई हुई है कि ये इस पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी ये लिमिट है, एक्सट्रीम लिमिट है, यहां तक उसने आपको क्या करना है मूवमेंट प्रोवाइड करनी, और इसके बाद लिमिट स्टॉप, इसके बाद आगे नहीं जाना। अच्छा ये उसका है न्यूट्रल जोन जिसके ऊपर आपकी बॉडी उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं करी क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो मिड रेंज के अंदर है, मिडल आपको ये नजर भी आ रहा होगा। ये जो आपको कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं ना ये स्प्रिंग आपको बेसिकली शो किया हुआ है, और स्प्रिंग का क्या मतलब है, ये वो रेंज है जहां पे आपका ये इलास्टिक जोन है, न्यूट्रल से लेके यहां तक आपका ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये इलास्टिकली स्प्रिंग की फॉर्म में आपको जो है वो दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये इसकी मूवमेंट का एरिया है, यहां से यहां तक ये आपको मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, इलास्टिक जोन है ये इसका, और उसके बाद वो आपको लिमिट करेगा। ये चार इसलिए दिखाए हुए हैं, डिफरेंट डायरेक्शन दिखाए हुए हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लेट से चार डायरेक्शन में अगर आपको मूवमेंट दे रहा है तो ये चार उसके क्या है मूवमेंट की रेंजेस हैं, और ये उसकी ओवरऑल रेंज है, लिमिट है, इसके बाद आगे वो आपको मूवमेंट नहीं देगा और यहाँ पे आके वो आपको क्या करेगा स्टेबल कर देगा। ये आपको ना दिखाया हुआ है, वो जो आपने देखा होगा वो बंजी जंपिंग, अगर आपको याद हो कि वो एक आपको जो है वो कॉर्ड्स के साथ जो है वो बांध देते हैं और देन आपको वो नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। अब वो जो कॉर्ड है उसके अंदर जितनी इलास्टिसिटी है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही होती है मूव कर रही होती है, पेंडुलर डायरेक्शन के अंदर। अब जितनी उसकी रेंज है उससे ज्यादा तो वो आपको नहीं लेके जा सकता ना, उसके अंदर रखेगा और वो आपका क्या है इलास्टिक जोन है, और दरमियान में आके फिर जब आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे, बिल्कुल रुक जाओगे, वो बंजी जंपिंग वाली एग्जांपल में ही कह रही हूँ, तो वहां आपका एक दरमियान आपका सेंटर पॉइंट मिडल रेंज क्या है मिड रेंज, वो आपका न्यूट्रल जोन है कि उस वक्त आपके ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है, वहां कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, कि वहां पे अगर मूवमेंट हो भी रही है तो उस पर्टिकुलर आपका कॉर्ड के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं आ रही, कुछ नहीं है। हाँ जब आप उसकी रेंजेस लिमिट्स की तरफ जाते जाओगे फिर उसके ऊपर क्या है स्ट्रेस पड़ता है। ये बस आपको जो है ना वो एग्जांपल के साथ आपको बताया हुआ है कि आपके जो लिगामेंट्स हैं या जो आपके इनर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा मानूर? यस मैम। चलो जी,
ठीक है बेटा जी, और किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर लेक्चर खत्म करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अपना क्विज के अंदर इसको पढ़ना है, और इसके अलावा और मेरा नहीं ख्याल से कोई चीज रहती है। बाकी का चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कवर करते हैं। टाइम कितना होगा क्विज में? बेटा मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल हों, 10 या 15 सवाल होंगे, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो 20-25 मिनट मिल जाएंगे। मतलब अगर 10 सवाल होंगे तो 15-20 मिनट मिल जाएंगे आपको, 15 सवाल हुए तो 20 मिनट मिल जाएंगे। 5 मिनट्स एक्स्ट्रा एम्पल टाइम है कि आप एक सिनारियो को पढ़ लो और उसके ऊपर जो है वो सोच लो। मैक्सिमम भी हुए तो 10 सवाल ही होंगे। अभी हमने चैप्टर्स कितने पढ़े हैं? तीन चैप्टर्स हमारे टोटल कंप्लीट है, एक आधा चैप्टर हुआ है, तो उसमें से कितने सवाल निकल आएंगे? एमसीक्यूज होंगे बेटा, एमसीक्यूज होंगे। मैम मैंने आपको क्वेश्चन टाइप किया है। क्वेश्चन आपने टाइप किया है? कौन सा क्वेश्चन टाइप किया आपने? अच्छा जी, अच्छा मैं देख लेती हूँ शुरू की स्लाइड्स में आप क्या कह रही हैं मुझे। स्लाइड का नंबर बता देना था बेटा मुझे। मैम जी स्लाइड में प्रेजेंटेशन पढ़ा था ना, उस स्लाइड की तो बात मेरा कर रही हूँ। ख्याल आप ये चीज पूछ रहे हो कि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड स्लगेज सर्कुलेशन, यही बात कर रहे यस हो? मैम। देखो बेटा कि जब आपकी इमोबिलाइजेशन होती है, आपके मसल्स मसल्स क्या काम करते हैं? पंपिंग एक्शन है मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पंप है। पंप बेसिकली क्या करता है? आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। सर्कुलेशन का काम क्या है कि आपकी ईच एंड एवरी सेल तक जाए, वहां तक जो जरूरत की चीज है न्यूट्रिएंट्स उनको दे, वहां पे जो वहां पे मेटाबोलाइट्स बने हैं सेल के अंदर उसको पिकअप करे और जाके डंप कर दे जहां पे उसने एक्सक्रीटरी सिस्टम में डंप करना है। ये सर्कुलेशन का काम है, ठीक है? जो सर्कुलेशन के फंक्शन था उसमें उसका एक ये फंक्शन है, मेटाबोलाइट्स को उठाना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को उठाना, डंप करना, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना। अब अगर इमोबिलाइजेशन है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, आप मसल्स को यूज नहीं कर रहे हो इंजरी की वजह से, बेशक इंजरी की वजह से यूज नहीं कर रहे, तो आपकी सर्कुलेशन वहां पे क्या है? स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है स्लो डाउन हो जाना, ठीक है? अब सर्कुलेशन अगर स्लो डाउन हो रही है तो उसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो क्या है? मेटाबोलाइट्स बिल्डअप होते रहेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्डअप होते रहेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उस पर्टिकुलर सेल के लिए हार्मफुल होते हैं जिसमें वो बन रहे होते हैं। अब अगर वो नहीं निकलेंगे तो आपको खराब करेंगे, वो आपको सिस्टम को खराब करेंगे, तो आपका जो इमोबिलाइजेशन है वो आपकी सर्कुलेशन को भी खराब करता है, और सर्कुलेशन इन टर्न आपके क्या है? सिस्टम को खराब कर, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है बेटा जी, अभी मजीद, हाँ जी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी बेटा, कोशिश करती हूँ आज ही कर दूँ, कोशिश करूंगी आज ही कर दूंगी, ठीक है? चले अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अच्छी सी तैयारी कीजिए, और क्योंकि ये मेरा पहला एक एक्सपीरियंस होना है आप लोगों के साथ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों ने कितना ग्रैप किया है, तो मुझे उससे जरा थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छा जा रहे हैं, समझ आ रही है, ताकि हम आगे भी अच्छा पढ़ें, ठीक है? मेरा मोटिवेशन लेवल भी हायर है, आप लोगों का भी हायर है, ठीक है बेटा? तो चले अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैम क्विज में टाइम थोड़ा ज्यादा रखिएगा। क्या बता दूं? क्विज का टाइम पूछ रहे हो? यस मैम, वो कह रही है टाइम ज्यादा रख दीजिएगा, डिसकनेक्टिविटी। बेटा क्विज का टाइम मैंने ईमेल पे और वैसे भी एलएमएस पे आपको मेरा ख्याल है 6 बजे का टाइम बताया है, शाम 6 बजे।
टाइम थोड़ा ज्यादा बेटा, जितने क्वेश्चंस और जिस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम दूंगी। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि 10 सवाल है तो 10 मिनट ही, ठीक है? आपके पास टाइम होगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं इश्यूज होते हैं, ओके फाइन, इंशाल्लाह मैंने आपका, आपके पास टाइम होगा, आप कर लोगे साइंस, ठीक है? चलें, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का भी टीचर ने आना होगा, तो इसको मैं एंड करने लगी हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।